हेलो स्टूडेंट्स, तो इतने समय से जिस प्याजे की संज्ञानात्मक थ्योरी को लेकर हमने ओवरव्यू पढ़ा और उसमें संज्ञान के शब्द को पढ़ा, आज जब हम उसी सीरीज में पढ़ेंगे कि किस तरीके से प्याजे ने अपनी थ्योरी को बताया। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जीन प्याजे नाम के शास्त्री एजुकेशनिस्ट ने सबसे पहले ये जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है इसको उन्होंने अपने ही बच्चों के ऊपर अप्लाई किया था, यानी उनके बड़े होने वाले बच्चों को उनकी लाइफ का अध्ययन करके उन्होंने इन चार स्टेजेस को बताया। यानी उनके बच्चे जैसे जैसे छोटे से बड़े होते जा रहे थे, उन्होंने उन बच्चों के अंदर होने वाले परिवर्तनों को देखा, उनको उनकी उम्र के साथ कनेक्ट किया और अपने बच्चों के ऊपर जब लगातार काफ़ी समय तक ये रिसर्च की उन्होंने, तब जाकर उन्होंने इस थ्योरी को संज्ञानात्मक थ्योरी के तौर पर पेश किया। तो सबसे पहले जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के लिए चार अवस्थाओं का वर्णन किया है। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे देयर आर फोर स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। पहली स्टेज इंद्रिय जनित या इंद्रिय गर्मित संवेदी प्रेरक अवस्था, इसे हम कहते हैं सेंसरी मोटर स्टेज। सेकेंड स्टेज का नाम पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज। तीसरी अवस्था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसे हम कहते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। और चौथी अवस्था अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसे हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल स्टेज। इन स्टेजेस को हम स्टेज बाय स्टेज पढ़ते हैं। हमेशा जो सवाल पूछा जाता है सीटेट एग्जामिनेशन में, गवर्नमेंट जॉब में, कि सेंसरी मोटर स्टेज की क्या एज होती है, यानी ये बच्चों में कब दिखाई देती है। तो 0 से लेकर 2 वर्ष तक का बच्चा, यानी जन्म से लेकर 2 साल तक का जो बच्चा है उसके अंदर सेंसरी मोटर स्टेज आती है। सेंसरी मोटर स्टेज के अंदर क्या होता है कि बच्चा सेल्फ सेंटर्ड होता है, यानी वो आत्म केंद्रित होता है। वो सिर्फ अपने आप पर ध्यान देता है, अपनी जरूरतों पर ध्यान देता है, अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहता है। बच्चा स्वार्थी होता है, सेल्फिश होता है, यानी उसका पूरा का पूरा स्वार्थ सिर्फ और सिर्फ इतना होता है कि वो जिसे पसंद करता है या जो खाना चाहता है, जो भी चीज वो चाहता है वो उसे मिल जाए। इस अवस्था में बच्चा जो है अपने सेंस ऑर्गन यानी अपनी इंद्रियों की मदद से ज्ञान को प्राप्त करता है। इंद्रियों की मदद से ज्ञान को प्राप्त करना मतलब कि इंसान के अंदर 5 सेंसेस पाई जाती हैं। उन 5 सेंसेस को हम कहते हैं टच, टेस्ट, साउंड, स्मेल, साइट। ये उन 5 सेंसेस को याद रखने का एक शॉर्टकट तरीका है। तो यानी टच, देन टेस्ट, देन साउंड, देन स्मेल, देन साइट। यानी बच्चा सेंसरी मोटर स्टेज के अंदर अपनी सेंसेस की मदद से ज्ञान को प्राप्त करता है। और किस तरीके से प्राप्त करता है, वो चीजों को छूकर यानी टच करके ज्ञान प्राप्त करता है कि उनका आकार क्या है, उनको छूने पर कैसा लगता है। टेस्ट करके, स्वाद चख कर भी उसे पता चलता है कि इस वस्तु का या इस चीज का ऐसा स्वाद है, तो इससे उसे ज्ञान प्राप्त होता है। साइट, देखकर, वो चीजों को देखकर भी उनसे ज्ञान प्राप्त करता है। स्मेल, चीजों की जो गंध आती है उस गंध से भी उसे ज्ञान प्राप्त होता है। फिर साउंड, यानी वो अपने परिवार के अलग अलग सदस्यों की आवाज, घर में आने वाले जानवरों की आवाज, बिल्ली, कुत्ता, जो भी पाल रखा है, खिलौनों की आवाज, यानी वो अपनी इन 5 सेंसेस की मदद से ज्ञान को प्राप्त करता है। बिकॉज द नॉलेज इज एक्वायर्ड विद द हेल्प ऑफ दीज सेंसेस, दैट इज वाई दिस स्टेज इज कॉल्ड सेंसरी स्टेज। यानी जब बच्चा जन्म से 2 वर्ष की आयु में होता है उस समय वो सेल्फ सेंटर्ड होता है, सेल्फिश होता है और अपनी इन 5 इंद्रियों की मदद से यानी छूकर, फिर स्वाद लेकर, फिर
गंध के द्वारा यानी स्मेल लेकर, देख कर और सुनकर, इन पांच इंद्रियों से वो ज्ञान को प्राप्त करता है। अब जब वो इन पांच इंद्रियों की मदद से ज्ञान को प्राप्त करता है तो ये जो ज्ञान है ये उसकी मोटर स्किल्स को बढ़ाता है। मोटर स्किल्स को बढ़ाना मतलब कि उसके हाथ पैर के अंदर वो मूवमेंट आते हैं जो मोटर स्किल्स की वजह से प्रोड्यूस होते हैं, यानी बच्चे के अंदर बॉडी मूवमेंट्स होना स्टार्ट हो जाता है ड्यू टू द एक्विजिशंस ऑफ द नॉलेज बाय दिस फाइव सेंसेस। तो ये बॉडी मूवमेंट्स कैसे, यानी बच्चा जो है अपने घर के प्रिय सदस्य को देखने के बाद हवा में हाथ पैर मारने लग जाता है, वो हाथ हिलाने लग जाता है, पैर हिलाने लगता है, चीज़ों को छूने के लिए हाथ बढ़ाता है या चीज़ों की तरफ भागता है। तो इस तरीके से सेंसेस से जो उसे नॉलेज मिली उसे उसने मोटर स्किल्स के अंदर परिवर्तित कर दिया, इसीलिए इस स्टेज को सेंसरी मोटर स्टेज कहा जाता है। यानी नॉलेज एक्वायर्ड बाय द सेंसेस इज डिलीवर्ड टू मोटर स्टेज, मोटर स्किल्स डेवलपमेंट। फिर इस एज में बच्चा क्योंकि इन पांच सेंसेस की मदद से ज्ञान प्राप्त करता है तो छोटे छोटे शब्दों को या आसान शब्दों को बोलने भी लग जाता है, जैसे पापा, मम्मी, चीजी, पानी, इन सब चीजों को, यानी जो शब्द बिल्कुल सिंपल होते हैं वो उनको प्रोनाउंस करने की कोशिश करता है और दो साल की एज तक वो बोलने भी लग जाता है। इस उम्र में ऑब्जेक्ट परमानेंसी होती है। ऑब्जेक्ट परमानेंसी का मतलब कि आपने बच्चे के सामने जिस चीज को रखा वो उस चीज को देखकर आकर्षित होगा, उसे छुएगा, अपने हाथ में लेगा। पर अगर आपने उस चीज को बच्चे के सामने से लेकर गायब कर दिया तो उसके लिए उस चीज का अस्तित्व क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। यानी उसे ऐसा लगता है कि अब ये चीज दोबारा मिलेगी नहीं या वो इतना सोच ही नहीं पाता। फॉर एग्जाम्पल ये मार्कर बच्चे को दिख रहा है तो बच्चा इसको छूने के लिए हाथ बढ़ाएगा, उसे अपने हाथ में लेगा, देखेगा। पर जैसे आपने बच्चे के सामने से इस मार्कर को लेकर ऐसे कर दिया तो अब बच्चे के लिए इस मार्कर का जो अस्तित्व था वो पूरी तरीके से खत्म हो गया। इसे हम ऑब्जेक्ट परमानेंसी कहते हैं, यानी जो ऑब्जेक्ट उसके सामने है वो परमानेंट है, उस ऑब्जेक्ट के गायब होते के साथ ही उसका अस्तित्व भी बच्चे के लिए खत्म हो जाता है। प्रोटेक्शन शिफ्टिंग होती है इस दौरान, यानी बच्चा माँ के पास तो रहता ही रहता है पर कभी कभी वो अपने दादा दादी के पास, फिर भाई बहन के पास, चाचा के पास, चाची के पास, यानी दो वर्ष की आयु तक वो दो हफ्ते या दो महीने या एक एक महीना परिवार के हर एक सदस्य की गोद में रहकर खेलना पसंद करता है। वो अलग अलग सदस्यों का जो प्यार है उसे अनुभव करना चाहता है और उससे वो प्रोटेक्शन जो मिल रही है अपने परिवार के सभी सदस्यों से वो प्रोटेक्शन की शिफ्टिंग करता रहता है, जिससे उसका अपने परिवार के सदस्यों के साथ आत्मीयता का संबंध होता है। तो सेंसरी मोटर स्टेज का मतलब वो स्टेज जिसमें बच्चा अपने सेंस ऑर्गन की मदद से नॉलेज को एक्वायर करता है और शब्दों को बोलना सीखता है, हाथ पैर को चलाना सीखता है, ये सारी चीजें आपकी सेंसरी मोटर स्टेज के अंदर आती है। दूसरी स्टेज आती है जिसे हम कहते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज। इस स्टेज की जो उम्र होती है वो 2 से 7 वर्ष रहती है। 2 से 7 साल का जो बच्चा है वो प्री ऑपरेशनल स्टेज से गुजर रहा है। इस स्टेज के दौरान क्या होता है कि बच्चा जो है वो सेल्फ सेंटर्ड रहता है पर ये जो इसका परसेंटेज की बात की जाए वो कम हो जाती है। यानी बच्चा अब पूरी तरीके से आत्म केंद्रित नहीं रहता, बच्चा पूरी तरीके से मतलबी भी नहीं रहता बल्कि वो दूसरे बच्चों के साथ खेलता है, वो दूसरे बच्चों के संपर्क में आता है, वो दूसरे बच्चों से सीखता है। तो इस स्टेज में बच्चा सीखता किसकी मदद से है, वो दूसरे बच्चों के कॉन्टेक्ट में आकर सीखता है। इस एज में वो खिलौनों की मदद से सीखता है और इस एज में वो बच्चा इमिटेशन अनुकरण करके या सिंपल हिंदी में कहें तो नकल करके चीजों को सीखता है। यानी बच्चा दूसरे बच्चों के संपर्क में आएगा, बातें करना सीखता है, उनके साथ अलग अलग खाने का स्वाद लेना सीखता है, नेचर को समझता है, यानी बच्चों के कॉन्टेक्ट में आकर उसकी नॉलेज का लेवल बढ़ता है
उसका संज्ञान बढ़ता है। खिलौने, इस एज को खिलौनों की उम्र कही जाती है। और जिस तरीके से किसी डिफेंस के ऑफिसर के लिए उसके हथियार सबसे ज्यादा जरूरी है, इसीलिए इस एज में बच्चे के लिए उसके संज्ञान को बढ़ाने के लिए उसे जितने ज्यादा खिलौने दिए जाए वो उतने अच्छे हैं। वो खिलौनों को देखकर क्या चीजें सीखता है, वो खिलौनों को देखकर सीखता है रंग के बीच में होने वाले संबंध, वो रंगों में भेद करना सीख जाता है, वो चीजों का आकार सीखता है। इस एज तक आते आते खिलौनों की मदद से वो गिनती भी सीख जाता है, एक खिलौना, दो खिलौना, तीन खिलौना, इस तरीके से। तो खिलौनों की मदद से वो गिनती करना सीख जाता है, रंगों में परिवर्तन सीख जाता है, उसे हल्के और भारी का ज्ञान हो जाता है। उसे इस एज में, क्योंकि उसका दिमाग बढ़ता जा रहा है, तो उसे परिवार के सदस्यों के नाम याद हो जाते हैं, उससे पूछने पर वो माता पिता का नाम बता सकता है, वो किस ऑफिस में काम करते उस जगह को बता सकता है। चीजों में डिस्क्रिमिनेशन वो सीख जाता है, आकार में परिवर्तन जो होता है उस चीज को सीख जाता है, बोलने पर पूछने पर किसी भी बात को वो बता सकता है। तो ये सारी चीजें वो टॉयज की मदद से सीखता है। इमिटेशन का मतलब अनुकरण करके, नकल करके, यानी इस एज में बच्चा अपने परिवार के सदस्यों को देखकर, स्कूल के टीचर्स को देखकर, मूवीज को देखकर, सोसाइटी के लोगों को देखकर जैसा जो बर्ताव करता है उसकी एज इट इज कॉपी करता है, नकल करता है। यानी परिवार के सदस्यों यानी माता पिता की तरह वो बर्ताव करता है, उनकी आवाज में वैसे के वैसे उनकी एक्टिंग करता है, या उसके फेशियल एक्सप्रेशन बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे उसके माता पिता बात करते समय, झगड़ा करते समय, या किसी भी टॉपिक को डिस्कस करते समय करते हैं। तो इस एज में बच्चा दूसरों का अनुकरण करके भी सीखता है, नकल करके भी सीखता है। तो इस एज में दूसरे बच्चों के संपर्क में आकर खिलौनों की मदद से अनुकरण करके बच्चा जो है इन सारी चीजों को सीखता है। इससे जुड़ा सवाल जो अक्सर सीटीटी एग्जामिनेशन में पूछा गया है वो ये कि इस एज में या इस स्टेज में बच्चे के अंदर तार्किक चिंतन नहीं होता है। तार्किक चिंतन मतलब कि वो फैक्ट्स के बेसिस पर कोई भी चीज को सोचकर जवाब नहीं दे सकता है, वो लॉजिकल नहीं रहता है। यही वजह होती है कि 5 से 6 साल के बच्चे गलती करने पर भी जब उनसे पूछा जाए सच सच बताओ तो सारी बात को सच सच बता देते हैं बिना पुरस्कार या दंड की भावना को सोचे। तो उनका दिमाग इतना एक्टिव नहीं होता है, वो तर्क नहीं लगा सकते कि ये बात बतानी चाहिए, बात छुपानी चाहिए, तो बिल्कुल सच बोल देते हैं। तो आज हमने जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में 2 स्टेजेस यानी सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज को पढ़ा, इनसे जुड़े सवाल जो सीटेट का एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। एज तो सेंसरी मोटर स्टेज 0 से 2 साल तक होती है, प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 साल तक होती है। सेंसरी मोटर स्टेज के अंदर बच्चा सेंसेस से सीखता है, ऑब्जेक्ट परमानेंसी होती है, प्रोटेक्शन की शिफ्टिंग होती है, ये 3 पॉइंट्स कई बार पूछे गए हैं। और प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे के अंदर तार्किक चिंतन नहीं होता है, 2 से 7 वर्ष तक रहता है, और दूसरे बच्चों के संपर्क में आकर खिलौनों के माध्यम से और अनुकरण के द्वारा ज्ञान को प्राप्त करता है, उसका संज्ञान बढ़ता है। नेक्स्ट वीडियो में हम रिमेनिंग 2 स्टेजेस को ऐसे ही डिटेल्ड पढ़ेंगे। दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू।